गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS. स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पार्ट 5, कारक. स्टूडेंट्स, आप अपने बुक में देखो, कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नीचे वाक्य हैं. उस वाक्य को ध्यान से देखो. पहले चित्र के नीचे जो वाक्य है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया. दूसरे चित्र में है, पेड़ पर बंदर बैठा है ऊपर दिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्य में कुछ रंगीन शब्द हैं, जैसे ने, को, का और पर. विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है. व्याकरण में इन्हें कारक कहते हैं. इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं. कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ चिन्ह लगाए जाते हैं. उन्हें कारक कहते हैं. कारक के भेद कितने होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं. नंबर 1, कर्ता. कारक चिन्ह ने. प्रयोग क्या है उसका? मोहन ने गीत गाया. नंबर 2, कारक कर्म. कारक चिन्ह को प्रयोग, राम ने रावण को मारा. नंबर 3, कारक है करण. कारक चिन्ह से द्वारा और उसके प्रयोग क्या है? वह चाकू से फल काटता है.
मतलब वह चाकू के द्वारा फल काटता है। नंबर 4, संप्रदान। कारक चिन्ह को के लिए प्रयोग है भिखारी को भोजन देना चाहिए। नंबर 5, अपदान। से अलग कारक चिन्ह और उसके प्रयोग क्या है, वह घर से स्कूल गया, इसका अर्थ है वह घर से स्कूल गया, घर से अलग हो गया और वो स्कूल गया। नंबर 6, कारक संबंध। कारक चिन्ह क्या है, का की के रा री रे, इसके प्रयोग क्या है, राम के पिता दशरथ थे, नंबर 7, अधिकरण। कारक चिन्ह में पर और उसके प्रयोग क्या है, पिताजी कार्यालय में हैं। नंबर 8, संबोधन। कारक चिन्ह क्या है, हे भो अरे और उसके प्रयोग क्या है, हे राम मेरी रक्षा करो। स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे कारक का प्रयोग। नंबर 1, कर्ता कारक। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, राधा नाच रही है, नंबर 2, कर्म कारक। जिस वाक्य पर किसी का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता चाय बना रही है, वह फल खा रही है,
नंबर थ्री, करण कारक, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है। उसे करण कारक कहते हैं। जैसे महेश कलम से निबंध लिखता है, वह बस से स्कूल जाती है, नंबर फोर, संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, नंबर फाइव, अपदान कारक, जिसे कोई चीज अलग होती है, उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, क्या होता है, पेड़ से फल अलग हो जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो जाती है, इसे अपदान कारक कहते हैं। नंबर सिक्स, संबंध कारक, किसी संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप में वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा स्कूल है, राम की माता का नाम कौशल्या था। नंबर सेवन, अधिकरण कारक, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे टोकरी में फल है, अखबार में मेज है, अखबार मेज पर है, टोकरी में फल है, अखबार मेज पर है, इत्यादि। नंबर एट, संबोधन कारक, जिसे पुकारा या आकृष्ट किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ आओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है, सारे संक्षेप को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना और उसे याद करना। थैंक यू।